दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और शुभमन गिल को सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम ने विश्व कप में जीत के साथ किया शुभारंभ। ऑस्ट्रेलिया को चखाई करारी हार। विराट कोहली और केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी देख खिलाड़ियों की पत्नियों ने दिया दिल जीत लेने वाला बयान। तो आखिर अनुष्का से लेकर रितिका साथ ही आदिया शेट्टी से लेकर रिबाबा नहीं, ऐसा क्या कुछ राहुल को कहा कोहली के बल्लेबाजी पर बयान दिया, जिससे करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस इन सभी को सलाम करने लगे। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट कोहली और केएल राहुल में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारतीय टीम को विश्व कप का पहला मुकाबला खेलने के लिए लंबे समय से इंतजार करना पड़ा। आखिर वो दिन आ गया जब टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एम चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में आमने सामने उतरी। इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, मगर यह फैसला टीम के कप्तान पैट कमिंस का बेहद निराशाजनक रहा। भारत की घातक गेंदबाजी के आगे ऑस्ट्रेलिया के एक भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और भारतीय गेंदबाजों ने कंगारू को केवल 199 रनों पर ऑल आउट कर दिया। भारतीय टीम की तरफ से रविंद्र जडेजा 3, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह 2-2 सबसे अधिक विकेट चटकाए। भारतीय टीम के लिए इस लक्ष्य को हासिल करना बेहद चुटकी का काम था, लेकिन किसी को अंदाजा भर नहीं था कि भारत का भी बुरा हाल हो सकता है। टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करने आए कप्तान रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन, मगर ईशान किशन ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके और पहले ओवर की चौथी गेंद पर मिचेल स्टार्क के शिकार हो गए और पवेलियन लौट गए। इसके बाद ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज आक्रामक अंदाज में गेंदबाजी करना शुरू कर दिया, भारत के पूर्व टॉप ऑर्डर को तहस नहस करके रख दिया। ईशान के बाद रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 2 रनों के स्कोर पर 3 झटके दे दिए। मगर अब दोनों पर विराट कोहली के साथ केएल राहुल बल्लेबाजी करने लगे। इन दोनों के कंधों पर टीम की बेहद अहम जिम्मेदारी थी। अगर ये दोनों बल्लेबाज जल्दी पवेलियन लौट जाते तो भारतीय टीम इस मैच को बड़ी आसानी से गंवा देती, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा दिखाया। एक के बाद एक हर कंगारू गेंदबाजों पर जमकर प्रहार किया। टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे। ये दोनों बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। विराट कोहली मनु ऑस्ट्रेलिया के हर गेंदबाज पर टूट कर प्रहार करेंगे और ठीक वैसे ही किया। उनका नजारा देखकर केएल राहुल भी रुकने का नाम नहीं लिए और इन दोनों बल्लेबाजों ने अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए अर्धशतक ठोक दिया और टीम के स्कोर को जीत की तरफ बढ़ाने लगे। इन दोनों बल्लेबाजों ने अकेले दम पर भारतीय टीम को एक तरफ जीत दिला दी और इस चीज से हर कोई हैरान रह गया। मगर विराट कोहली अंत तक नहीं रह सके, 10 रन बनाकर जोश हेजलवुड के शिकार हो गए, मगर केएल राहुल ने अपने अंदाज में मैच को खत्म किया और भारत को यादगार जीत दिला दी। इन दोनों बल्लेबाजों की खतरनाक बल्लेबाजी देखकर पूरा क्रिकेट जगत ही नहीं बल्कि खिलाड़ियों की पत्नियां भी हैरान रह गई और सभी ने इन दोनों खिलाड़ियों की अद्भुत बल्लेबाजी पर क्या कुछ बयान दिया, चलिए आपको बताते हैं। विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा ने बयान देते हुए विराट कोहली और केएल राहुल को लेकर कहा कि आज जिस अंदाज में केएल राहुल और विराट कोहली ने बल्लेबाजी का मंजर दिखाया, उसके लिए पूरा क्रिकेट जगत उन्हें सलाम कर रहा है, क्योंकि अगर ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर नहीं होते तो भारतीय मुकाबला बड़ी ही आसानी से हार जाता, लेकिन इन दोनों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया को यादगार जीत दिलाई। मैं इस पारी के लिए दोनों को सलाम करती हूँ। वहीं रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सचदेह ने बयान देते हुए कहा कि जिस तरह से भारत का पूरा टॉप ऑर्डर बिखरा हुआ है, देखकर मैं पूरी तरीके से निराश हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल ने टीम की पारी को संभाला और यादगार जीत दिलाई, जिसे देखकर मैं बेहद खुश हुई। आज इन दोनों बल्लेबाजों ने हमारा दिल जीत लिया है, बल्कि करोड़ों फैंस का दिल भी ये दोनों ने जीत लिया। इन दोनों खिलाड़ियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आगे भी ये दोनों बल्लेबाज ऐसे ही बल्लेबाजी करते रहे। केएल राहुल ने बेहद अलग अंदाज में बल्लेबाजी का मंजर दिखाया, वो देखकर मैं बहुत खुश थी। वहीं केएल राहुल की पत्नी आथिया शेट्टी ने बयान देते हुए कहा कि मैं विराट कोहली और केएल राहुल की बल्लेबाजी से आज बहुत खुश हूं। भारतीय टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने यादगार जीत दिलाई है। ऐसा नहीं लग रहा था कि भारत ये मुकाबला जीतेगा, मगर इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान पर खूब पसीना बहाया और हम जीत दिलाई, जिसे देखकर करोड़ों भारतीय फैंस खुशी से झूम रहे हैं। वहीं केएल राहुल आज जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर वो देखकर मैं थोड़ी भावुक हुई, क्योंकि जिस परिस्थिति से वो गुजर कर आज यहाँ तक पहुंचे हैं, ये सब मैंने देखा है। इसलिए ऐसा करना केएल राहुल के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन बेहद शानदार खेल दिखाया। इसी के साथ रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम को विश्व कप में पहली जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। आज केएल राहुल और विराट कोहली ने गजब का खेल दिखाया, मैं तो टीवी के पास से उठी ही नहीं, लेकिन एक समय ऐसा लग रहा था भारत इस मुकाबले को हार जाएगा, लेकिन राहुल और कोहली के दम पर भारतीय टीम ने यादगार जीत दिलाई और इसके लिए इन दोनों खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और मेरा सलाम। तो दोस्तों, इन खिलाड़ियों की पत्नियों ने अपने बयान से करोड़ों भारतीय फैंस का दिल जीत लिया, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इस मैच का रियल हीरो कौन है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।